बिहार में भीषण गर्मी का कहर जारी है। तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को तेज धूप और लू से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राजधानी पटना समेत बीते 24 घंटे में एक बार फिर बक्सर राज्य में सबसे गर्म जिला रहा। यहां का अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही भोजपुर का तापमान भी 45.9 डिग्री दर्ज हुआ। इन दोनों जिलों के अलावा अन्य 6 जिलों में भीषण लू चली। बिहार के कई जिले अभी भी लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी हो सकती है। दूसरी ओर प्रदेश के 18 जिलों में बारिश होने के भी आसार है, जिसमें मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई शामिल है। पटना का अधिकतम पारा 1 डिग्री चढ़कर 42.8 डिग्री पहुँच गया। ये सामान्य से 5.6 डिग्री अधिक है। पटना में सुबह 5:30 बजे तापमान 32.6 डिग्री था, जो दोपहर 2:30 बजे 41.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि टर्फ लाइन पूर्वोत्तर बिहार से नागालैंड और बंगाल और असम की ओर गुजर रही है। वहीं मध्य बिहार की ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस टर्फ लाइन से मिल गया है। अगले 48 घंटे में अधिकतम पारा में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की कमी होने की संभावना है।